सामग्री समग्गानं तपो सुखो। विश्ववंदनीय विश्व शांति दूत महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व गुणपतंग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में विराजमान पूज्य भिक्षु करुणानंद जी स्थविर, दी ग्रेट हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल के संचालक, पूज्य भिक्षु यन धम्मानंद जी स्थविर, सर्च एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल के संचालक, सभी उपस्थित उपासक उपासिकाएं, आज का यह दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पंचशील बुद्ध विहार में भिक्षु संघ की धम्म देशना हुई। उपोषण दिन का अवसर था। आज वैशाली बुद्ध विहार में भिक्षु संघ की धम्म देशना और भोजन दान का निवेदन किया गया है। भगवान बुद्ध का धम्म बड़ा ही कल्याणकारक है, हमारे सुख हित और कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने समय समय पे उपदेश दिए हैं। हमारे जीवन में अगर हमें सुख की प्राप्ति करना है तो भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलते हैं, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो उपदेश का अगर हम हमारे जीवन में अनुसरण करते हैं तो हम सुखपूर्वक हमारा जीवन जी सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने सभी मनुष्य प्राणियों के लिए क्या उपदेश दिया है, भगवान बुद्ध की क्या फिलॉसफी है, भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वह हमें समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के असीम और अनंत उपकार के वजह से हमें भगवान बुद्ध का यह सद्धर्म प्राप्त हुआ है। अनंत परिश्रम बाबा साहब ने किए हैं। अभी भंडी जी ने बाबा साहब के संदर्भ में जो बड़ौदा का प्रसंग है उसके बारे में भी बताया है, और हम जो सुखपूर्वक अभी जीवन जीते हैं केवल बाबा साहब की ये बदौलत है। बाबा साहब के बदौलत की वजह से हम हमारा जीवन सुख और समाधान से जीते हैं। भगवान बुद्ध का सद्धम्म सभी मनुष्य प्राणियों के हित और सुख के लिए है। हमारे जीवन में जो भी समस्या होती है, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ होती है, अगर इसे दूर करना है, इसे अगर नष्ट करना है तो भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग का हमें अनुसरण करना है। इस सृष्टि में जो भी मनुष्य प्राणी है, सभी मनुष्य प्राणियों को ऐसा लगता है कि हम सुख से जीवन जी सके,
ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि उनके जीवन में दुख हो, कष्ट हो, बेचैनी हो। सभी प्राणियों को ऐसा लगता है कि हमें सुख से जीना है, लेकिन हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में, हमारे परिवार में, हमारा खुद का जो मन है वो बेचैन रहता है, दुखी रहता है, कष्टी रहता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या होती है। इन सभी समस्याओं को अगर हमें नष्ट करना है तो भगवान बुद्ध ने जो सील मार्ग बताया है, भगवान बुद्ध ने जो सदाचार का मार्ग बताया है, भगवान बुद्ध ने जो निर्वाण का मार्ग बताया है, उस मार्ग का अगर हम अनुसरण करते हैं, हम आचरण करते हैं, उस मार्ग पर चलने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले सभी दुखों को हम नष्ट कर सकते हैं। तो क्या है भगवान बुद्ध का सदाचार का मार्ग, क्या बताया भगवान बुद्ध ने सील के बारे में? तो अभी जनरली हम पंचशील का अनुसरण करते हैं। अभी भंती जी ने आप सभी को पंचशील दिया है। कल उपोषित का दिन था तो उपोषित सील लिया है। ग्रस्तों के लिए भगवान बुद्ध ने पंचशील बताया है। पांच सील है जिसे पांच नियम कहते हैं, पांच रूल्स कहते हैं। अगर उस नियमों का हम पालन करते हैं तो हम सुख और समाधान से जीवन जी सकते हैं। अगर अधिक सुख हमें चाहिए, जो सुख हमें पंचशील से मिलता है उसे अधिक अगर सुख हमें चाहिए तो हम उपोषित सील का हमें आचरण करना चाहिए, जिसे आठ सील कहते हैं। तो अभी पंचशील और अष्टशील, अष्टशील जो है वो पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और अष्टमी के दिन लेना। कल उपोषित दिन था तो कल उपोषित दिन के अवसर पर भिक्षु संघ ने सभी उपासक उपासिका को अष्टशील प्रदान किया था और दिन भर सभी लोगों ने उस अष्टशील का भली भांति अनुसरण किया है, आचरण किया है, क्योंकि दिन भर भिक्षु संघ की धम्म देशना उन लोगों ने सुनी है। तो कल का दिन बड़ा ही सभी जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे तो सभी लोगों के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ था और उन्होंने अनंत और असीम पुण्य कल संपादन किया है। तो भगवान बुद्ध ने सील के बारे में बताया है। भगवान बुद्ध कहते हैं जिन मनुष्यों को हमारे जीवन में सुख प्राप्त करना है तो कभी भी हमें प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो भी प्राणी होते हैं, पानातिपाता वीरमणि सिक्खा पदंग समाध्या में ऐसा सील अपने ग्रहण किया है, जो भी प्राणी है उन प्राणियों के हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, उन प्राणियों को हमें दुख नहीं देना चाहिए। तो प्राणियों की हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए, प्राणियों को क्यों नहीं मारना चाहिए? भगवान बुद्ध कहते हैं हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, अगर हमें किसी ने दुख दिया है, हमें किसी ने मारा है, हमें किसी ने पीटा है, तो हमें जैसा दुख होता है, हमें जैसे परेशानी होती है, हमें जैसा कष्ट होता है, उसी तरह जो भी प्राणी होते हैं तो प्राणियों के भी वैसा ही दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए हमें किसी भी प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर जो मनुष्य हमारे जीवन में प्राणियों की हत्या करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं उन मनुष्यों को जो आयुमान है, जिसे हम आयुष्य कहते हैं, आयुमान उनका कम होता है, उनका जो वर्ण है वो वर्ण सतेज नहीं रहता, वो मनुष्य सुख और समाधान से जीवन जी नहीं सकता, वो मनुष्य कभी बलवान नहीं बन सकता। यानी प्राणियों की हत्या करने के बाद ये चार अपाय, चार हानि हमारे जीवन में प्राप्त होती है। हमें सुख नहीं मिलता, हमें वर्ण सतेज नहीं होता, हम बलवान नहीं बनते और हमारे जीवन में हम सुख और समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए प्राणियों की हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा सील भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमें चोरी कर्म यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। हमारा जो नहीं है, हमें किसी ने नहीं दिया है, ऐसा हम चोरी कर्म नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य चोरी कर्म करता है यानी चोरी करता है, चोरी करने वाला मनुष्य समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। जो लोग चोरी करते हैं
तो उनकी इज्जत समाज में रहती, उन्हें सम्मान समाज में नहीं मिलता है। चोरी कर्म करने वाला मनुष्य, यानी जो कि पुलिस है, उनको पकड़ के लेते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं। चोरी करने वाला मनुष्य खुद सुरक्षित नहीं रहता और उसका परिवार भी सुरक्षित नहीं रहता है, इसलिए चोरी कर्म नहीं करना चाहिए। अपनी जो उपजीविका है, यानी हम जीवन जीते हैं, तो सम्यक मार्ग से, योग्य मार्ग से, मेहनत से, परिश्रम से हमें धन संपदा कमाना चाहिए, और धन संपदा कमाने के बाद हमें हमारा जीवन बिताना चाहिए। कभी भी चोरी कर्म हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यभिचार यानी अकुशल भाव हमारे चित्त में, अगर अकुशल कर्म, अकुशल भाव अगर उत्पन्न होता है, तो हम बेचैन होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम कष्टी होते हैं। यानी जिसे काम वासना कहा, काम भाव, काम राग जिसे कहा है, यानी काम भाव, काम तृष्णा हमारे चित्त में जब जब उत्पन्न होती है, वह हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होता है। जिस दिन हम उपोषितशील धारण करते हैं, तो उस दिन हमें ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करना पड़ता है। यानी ब्रह्मचर्य का व्रत, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी हमारे 6 इंद्रिय है, वो 6 इंद्रियों से हमें संयमित रहना है, संयम करना है, यानी पूरी तरह से उस दिन हमें सील का पालन करना चाहिए। ये तीसरा सील है। चौथा सील है, जिसे हम झूठ नहीं बोलना है, हमें सत्य बोलना है, हमें किसी से कठोर वाणी से वचन नहीं बोलना है। अगर हम प्रेम से, मैत्री से अगर बोलते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें बहुत तरह का लाभ होता है। यानी चौथे सील में हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें कठोर नहीं बोलना है, किसी की चाहड़ी चुगली हमें नहीं करना है, यानी सत्य बोलना है। जो मनुष्य हमारे जीवन में सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, तो उसकी समाज में प्रशंसा होती है, उसे मान सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए सत्यवादी हमें हमेशा रहना चाहिए। पांचवा सील है, जो मद्य है, यानी जो भी नशीली पदार्थ है, उन नशीली पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना है। जैसे दारू है, सिगरेट है, गांजा है, अफीम है, जो भी कुछ, जो जो नशीले पदार्थ होते हैं, उन नशीले पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ये जो 5 सील है, उपोषित सील में और 3 सील ऐड होते हैं। जैसे कि जो हम मेकअप करते हैं, वो मेकअप हमें उपोषित सील के दिन नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ आप मेकअप करते हो, तो उस दिन वो मेकअप नहीं करना चाहिए। टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए, जो भी नाच गाने होते हैं वो नहीं देखना चाहिए। यानी उस दिन हमें संयमशील जीवन जीना है, हमारी काया वाचा और मन से हमें कुशल कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है। जिस दिन आप हाँ उपोषित सील धारण करते हो, तो उसी सील का हमें अनुसरण करना है। और आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो विकाल भोजन नहीं होना चाहिए। यानी 12 बजे के पहले हमें भोजन करना है। जो भी हमारे घर में हम खाना पकाते हैं, वही भोजन हम 12 के पहले उस दिन खाना खा सकते हैं, 12 के बाद हमें खाना नहीं खाना है। ये भी अष्टशील में आता है। और 8वां शील भगवान बुद्ध कहते हैं, जो भी जिस दिन हमें उपोषित शील होता है, तो एक छोटा आसन लेके, यानी चटाई लेके, उस पर हमें सोना है। ऊंचा आसन पर हमें नहीं सोना है। अगर ऊंचा आसन पे हम सोते हैं, तो हमारे मन में प्रमाद उत्पन्न होता है, आलस उत्पन्न होता है, और प्रमाद और आलस के कारण हमारे चित्त में काम भाव, काम राग उत्पन्न हो सकता है। और जब हमारे चित्त में काम राग, काम भाव उत्पन्न होता है, तो हमारा चित्त चंचल होता है, हमारा चित्त बेचैन होता है, दुखी होता है, कष्टी होता है। अगर जिस मनुष्य का चित्त इन विकारों से भरा हुआ हो, वो मनुष्य सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसे सुखपूर्वक जीवन जीना है, तो इस पंचशील का और इस उपोषित शील का हमें आचरण करना है, हमें अनुसरण करना है। क्योंकि हम जब संसार में जीवन जीते हैं, तो हमें सुखपूर्वक जीवन जीना है। सभी को ऐसा लगता है, हमारे जीवन में कभी दुख, कभी कष्ट, कभी बेचैनी नहीं आना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने इस मार्ग का जो हमें उपदेश दिया है,
इस मार्ग का उद्देश्य पर हमें अनुसरण करना है, इस मार्ग को हमें धारण करना है। अगर इस मार्ग पर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले सभी दुखों को हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। ये शील मार्ग है, ये सदाचार का मार्ग है। अगर हमें सुखपूर्वक जीवन जीना है तो इस शील मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। अगर जो मनुष्य हमारे जीवन में शील का अनुसरण नहीं करता, हम देखते हैं जो शील का अनुसरण करने वाले लोग नहीं होते हैं वो सुखी नहीं रह सकते, वो बेचैन रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, कष्टी रहते हैं। तो हमें अगर सुखपूर्वक जीवन जीना है तो शील मार्ग का अनुसरण करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो मनुष्य इस शील मार्ग का अनुसरण करता है तो यही जीवन में जो सुख की अनुभूति होती है, जिसे भगवान बुद्ध ने निब्बान कहा, निब्बान यानी निर्वाण, निर्वाण यानी निर्दोष जीवन, जिस जीवन में किसी प्रकार का दोष नहीं है, जिस जीवन में किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, ऐसा निर्दोष जीवन हमें इसी वर्तमान के समय में हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो निर्दोष जीवन माने क्या होता है, तो राग रहित, हमारे चित्त में जो उत्पन्न होने वाला राग है उसे, राग को पूरी तरह से हमें नष्ट करना। हमारे चित्त में द्वेष उत्पन्न होता है उस द्वेष को हमें पूरी तरह से नष्ट करना है। हमारे चित्त में जो मोह उत्पन्न होता है जिसे हम लालसा कहते हैं, जिसे हम तृष्णा कहते हैं, इस तृष्णा को हमें पूरी तरह से नष्ट करना है। राग द्वेष लोभ ईर्ष्या अहंपना यानी ये जो विकार है, इस विकारों को अगर हम हमारे चित्त से नष्ट कर सकते हैं तो हम हमारे जीवन में सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। भगवान बुद्ध का सद्धम्म बड़ा ही कल्याणकारक है, बड़ा ही मंगलकारी है। अगर इस सद्धम्म का हम अनुसरण करते हैं, आज भगवान बुद्ध के समय में जो भी राजा थे, महाराजा थे, श्रेष्ठ थे, सभी वर्ग के जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, सभी प्रकार के लोगों ने भगवान बुद्ध के सद्धम्म को अपनाया है, उनका अनुसरण किया है, उन सभी लोगों ने अपने जीवन में सुख पाया है, सभी लोगों ने अपने जीवन में दुख को नष्ट किया है। जैसे भंते जी ने विशाखा माता का जिक्र किया है कि विशाखा माता ने किस तरह उपोषणशील का अनुसरण किया है, किस तरह उपोषणशील का अनुसरण करते हुए उसने उनके जीवन में सुख को प्राप्त किया है। भगवान बुद्ध के समय में माता विशाखा नामक एक उपासिका थी भगवान की, जिसे हम महा उपासिका ऐसा कहते हैं। भगवान बुद्ध के समय में अनाथ पिंडक नामक जो श्रेष्ठता, जिसे महा उपासक ऐसा हम कहते हैं। बुद्ध धम्म और संघ इन तीन रत्नों का प्रचार और प्रसार करने के लिए पूरा धन खर्च किया है, केवल बुद्ध धम्म संघ का प्रचार और प्रसार करने के लिए। उसमें माता विशाखा अग्र है, जिसे भगवान बुद्ध ने महा उपासिका का, महा उपासिका विशाखा ने उस समय बहुत बड़ा विहार का निर्माण किया था, जिस विहार में हजारों भिक्खु निवास करते थे। भिक्खुओं के लिए सभी प्रकार के जो भी सुविधा थी, यानी भोजन था, चीवर था, परिष्कार था, औषधि थी, सभी प्रकार के दान पुण्य माता विशाखा भिक्खु संघ को कर दी थी। इसीलिए माता विशाखा आज भी अजरामर है। एक 2600 साल पुरानी जो बात है, 2600 साल भगवान बुद्ध का पूर्व सद्धम्म है, लेकिन अभी विशाखा का नाम का हम जिक्र करते हैं, अनाथ पिंडक के नाम का जिक्र करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं, मनुष्य अपने कर्म के आधार पर इस संसार में यानी अजरामर होता है, ना कि अगर किसी के पास धन संपदा है, ना कोई सुंदर है, ना कोई बलवान है, ना बल के वजह से, ना सुंदरता की वजह से, ना धन की वजह से इस संसार में मनुष्य अजरामर होता है, केवल अपने कर्म की वजह से मनुष्य इस संसार में अजरामर होता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म यानी क्या? कर्म यानी जीवन जीते हुए हम जो भी कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। काय द्वारा यानी काया यानी शरीर के द्वारा हम कभी प्राणियों की हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें कभी चोरी कर्म नहीं करना चाहिए, हमें कभी
व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हम हमारे वाणी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नलस्त नहीं करनी चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए, हमारे मन से राग द्वेष लोभ मोह मीपना अहमपना गर्व ईर्षा इन सभी विकारों का हमें नष्ट करना है, विकारों को नष्ट करना है। अगर इस काया वाचा मन से हम कुशल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। भगवान बुद्ध का यह सद्धर्म बड़ा ही कल्याणकारी है, मंगलकारी है। अगर हमें सुख से जीना है, हमारे जीवन में जो भी दुख है उन सभी दुखों को अगर हमें नष्ट करना है तो भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। अगर हम भगवान बुद्ध ने बताए हुए इस शील मार्ग का, इस सदाचार्य मार्ग का अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। इसी बात को रखते हुए हमारी छोटी सी जो देशना है, इन देशना को मैं संपन्न करता हूँ। आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना करते हुए मैं मेरे शब्द को पूर्ण विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।